अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ मैं चाइनीज प्लम प्रॉन्स, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg प्रॉन्स। इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया। इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये मैंने 3 बड़े टेबल स्पून लिया है। इसमें डालेंगे हम एक अंडा, थोड़ा सा नमक, और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में और एक सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए हमने लिया है 1/2 कप टोमेटो प्यूरी। इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून सिरका, 1/4 चिली सॉस हम लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिया है 2 टीस्पून। एक स्पून लेंगे चिली फ्लेक्स, साथ ही मैंने लिया है वेजिटेबल ऑयस्टर सॉस 2 टीस्पून। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने लिया है 3 टीस्पून ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप 1 से 1.5 टीस्पून वाइट शुगर यूज़ करें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हम वेजीज मैंने कट करके रखा है। इसके लिए मैंने लिया है प्लम, कैबेज और बेल पेपर। आप अपने कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। गैस पे रखते हैं कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम 2 से 3 टीस्पून ऑयल। हमने जो प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखा है, अब इसे हम मैदे के आटे में कोट करेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई रखा है और इसमें 2 से 3 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। और अब इसे हम कोट किया हुआ प्रॉन्स इसमें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम फुल कुक करेंगे इसे।
इसी तरह हम सारे प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून ऑयल गरम हो चुका है तो आप इसमें डालेंगे हम लहसुन। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या पेस्ट भी डाल सकते हैं। हल्का ब्राउन कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे प्लम। हमने ये बड़े साइज के 2 प्लम लिए हैं। इसमें डालेंगे हम बाकी के वेजी। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हम वेजीज को सॉफ्ट नहीं करेंगे, इसी स्टेज पर हम डालेंगे जो हमने सॉस बनाया था। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें और उसमें थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स कर लें 2 टीस्पून, और उसे डाल दें। और अब इसमें हम डालेंगे, एक बॉईल आ जाए। सोच रहे होंगे मैंने नमक नहीं डाला, तो जो भी मैंने यूज़ किया है सॉस वगैरह तो इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो बस ये हम डाल देंगे इसमें प्रॉन्स। हमारा चाइनीज प्लम प्रॉन्स तैयार है। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम घी राइस के साथ खा सकते हैं, चाइनीज राइस के साथ खा सकते हैं। तो मैंने घी राइस बनाया है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर से दबाएं, और ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।